guys were excited for this vlog because मैंने already दो vlog daily vlogs डाले थे, तो आज मेरा मन कर रहा था मैं third vlog में थोड़ी सी पंचायत कर लूँ यार तुम लोगों के साथ, because daily routine देख देख के ना हर कोई bore हो जाता है, मैं post कर करके भी हो जाती हूँ, तो दो vlogs में हो गई. हाँ I was like थोड़ा सा कुछ तो भी adventurous, तो अभी हम नहीं कर पा रहे because बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, तो अभी कुछ घर पर बैठ के कुछ फनी सा कर लेते हैं. तो आज का जो टाइटल है उसको पढ़ के तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि आई एम गोना शो यू गाइज माई ओल्ड पिक्चर्स, जो बहुत ज़्यादा फनी भी हो सकती हैं एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो सकती हैं एट द सेम टाइम. मैं पहले ही बता देती हूँ. सो लेट्स बिगेन विद आर ओल्ड पिक्चर्स, बिकॉज एक तो तुम लोगों को सबसे पहली चीज़ लग रही होगी कि हाउ एम आई वेयरिंग दिस फुल स्लीव की शॉर्ट एंड पीछे कैप भी है इतने गर्मी के मौसम में. तो ये बहुत ज़्यादा समरी है एंड इसका जो मटीरियल है ना दैट इज़ वेरी एयर पासिंग, तो मेरे को मज़ा आ रहा है इसे डालने में. मेरे को ना फुल स्लीव के कपड़े बहुत पसंद हैं जो एकदम कवर्ड हों एंड ओवर साइज हों, लेकिन बस इतना कि वेदर के अकॉर्डिंग होने चाहिए. दैट इज़ द बेस्ट थिंग एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड. ओके तो चलो अभी ना फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी पिक्चर्स की जर्नी. तो मैं सबसे पहले जो पिक्चर दिखाने वाली हूँ दैट इज़ माई पिक्चर, जब मैं मेरी मासी के घर पे गई थी इन मुंबई, जब उनकी शादी हुई थी उसके थोड़े टाइम बाद. सो ये वाली पिक्चर में आई गेस आई वॉज इन नर्सरी क्लास, मुझे बहुत अच्छे से याद है मेरी शक्ल कैसी दिखती थी नर्सरी क्लास में. सो ये जो पीछे बैठी हैं वो दीदी मेरे मौसा जी की सिस्टर हैं. वेल उन्हें इग्नोर करते हुए लुक एट माई फेस एट दैट टाइम, मैं ऐसी कुछ दिखती थी एंड मम्मी मेरे सर के ऊपर फाउंटेन बना देती थी. तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होता था बचपन का कि मम्मा सर पे फाउंटेन बना देती हैं. नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं. नेक्स्ट पिक्चर है कंचनजंगा लेक की, विच इज़ इन सिक्किम चाइना बॉर्डर के पास. सो वहाँ पे मैंने और हम सब उन्होंने एक दूसरे को ऐसे मतलब किस करते हुए पिक्चर क्लिक किया था. तो ये मेरे पास पापा वाली है जिनको मैं और अभी ये दोनों एक एक साइड से किस करें. ये पिक्चर बहुत ही मस्त आई है, एक तो पीछे इतना मस्त सा व्यू है एंड ऊपर से लुक एट द पोज एंड ये वाला मम्मा को किस करते हुए है. आई लव दिस वन, मेरा वाला भी होगा बट आई हैव टू फाइंड इट. ठीक है लेट्स मूव टू नेक्स्ट पिक्चर. ये पिक्चर मेरे मम्मा की है जो हम किसी बुआ के फंक्शन में गए थे एंड वहाँ पे जागरण था. सो ये वहाँ पे हम लोगों ने आरती करी थी, तो बहुत ही रैंडम सा क्लिक आया है. लव दिस वन, मम्मा के साथ पहली बार थी क्लियर पिक्चर आई थी. नेक्स्ट वी हैव अगैन जो कश्मीर की पिक्चर है अवीर के साथ. ये पिक्चर है चश्मा शाही की. आई डोंट नो इफ यू गाइस नो दैट प्लेस और नॉट, लेकिन वहाँ पे ऐसे पीछे छोटा सा वाटरफॉल बना हुआ है, वहाँ से इतना फ्रेश पानी आता है एंड छोटा सा एक पूल टाइप भी बना रखा है फॉर एवरीवन टू लाइक इन्जॉय. एंड वहाँ पे लोग एक्चुअल में ना उस वाटरफॉल जहाँ से वो पानी आता है वहाँ से वाटर फिल करके पी भी लेते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा क्लीन और मिनरल वाला वाटर होता है बिकॉज वो डायरेक्टली वाटरफॉल से आता है ऊपर से पहाड़ों से. सो या सो नेक्स्ट इज दिस पिक्चर. इस पिक्चर के अंदर आई एम वेयरिंग, सेकेंड यार मेरे फ़ोन की ब्राइटनेस कम करने लो, मुझे दिख नहीं रहा है कैमरा में. सो इस पिक्चर के अंदर आई एम वेयरिंग ये वाला फ्लोरल फ्रॉक जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद था. इसने चारों तरफ इसे घेरा होता था एंड इसके ऊपर नेट कवर होता था एंड ऊपर से भी बहुत ज़्यादा कलरफुल था. जस्ट इमेजिन ब्लैक पिंक पर्पल एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन, आई गेस बेस्ट किसी भी बच्चे के लिए बिकॉज बहुत अट्रैक्टिव भी होता था. अगैन नेक्स्ट पिक्चर भी मासी के घर की है जो मैंने दिखाई थी वैसी ही मुंबई वाली. इसके अंदर ना ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पे एक पेंसिल बॉक्स टाइप चीज़ कुछ दिख रही होगी. दिस वॉज यूज टू बी माई मिनी लैपटॉप. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बचपन में शौक था, इसके अंदर मैं पेंसिल से लैपटॉप ड्रॉ करके ना जैसे करके खेलती थी. कुछ अलग ही होता था मेरे साथ इस टाइम पर, या तो मेरा कुछ ब्रेन का प्रॉब्लम रहा होगा. मुझे कभी कभी मेरी हरकतें बड़े होकर खुद सोच के नहीं समझ आती यार मैं क्यों करती थी. ओके नेक्स्ट पिक्चर इज पर्सनली माय फेवरेट, रिक्की मामू की शादी की पिक्चर है. ये देखो ये बहुत क्यूट पिक्चर है. अगर मेरे को चांस मिला ना अगली बार तो मैं रिक्की मामू के एल्बम की सारी पिक्चर्स निकाल के ब्लॉग बनाऊंगी. बट इसके अंदर मैंने येलो कलर का घाघरा डाला था विच इज पर्सनली माय फेवरेट एंड जो मेरे को नहीं आता एंड उसके बाद मैंने बहुत लंबे बाल लगाए थे जो मुझे समझ नहीं रहे थे. एक तो मैं बाल लगा लिए, ऊपर से मैंने लहंगा इतना हैवी डाल दिया, मम्मा और मासी वगैरह सब काम में बिजी थे एंड मैं ना बार बार मतलब डांस कर रही थी तो वो लहंगा खिसक रहा था, चिटिया भी मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि निकलने वाली है. मैं बार बार जाकर उन लोग को इरिटेट कर रही थी, प्लीज सेट करो प्लीज सेट करो. लोग ना लिटरली मामू की वेडिंग
कैसेट में मतलब सीडी में भी आया है ऐसा कि मैं इरिटेट कर रहा हूँ, मेरे को बार 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 डांट रहे हैं और मेरे को देख के रिलाइज होता है कितना इरिटेट किया था, जब मैंने मुझे मना किया था धींगा मैं डालते से नहीं समझेगा। चलो नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है नानी नानू की 25th एनिवर्सरी की, जब इन लोगों ने सिल्वर जुबली बनाई थी एंड मैं इतनी ज़्यादा छोटी थी, लुक एट मी यार, मैं सबसे बड़ी हूँ घर के अंदर कजन्स में एंड ये मेरी पिक्चर है। उस टाइम पे पता नहीं मैं क्या ही कर रही थी, बट बहुत क्यूट आई है। इसका फ्रेम भी है मेरे पास रियल में, जो नानी ने बनवा के अपने रूम में लगा रखा था, जिसे मैं उतार के ला चुकी हूँ अपने पास और मुझे नहीं पता मैंने कहाँ रखा हुआ है। ऐसी हरकतें कभी मत करना यार। एक ना फोटो है मेरे पास, मैं तुम्हें वो दिखाना चाहती हूँ, पर अगर वो मेरे भाइयों ने देख ली उसके बाद दे अगर किल मी, बिकॉज अगर मैंने वो दिखा ली तो वो दोनों का बहुत कुछ एक्सपोज हो जाएगा। एक्चुअली जो सबसे मेन होता है वो एक्सपोज हो जाएगा, तो उन लोगों को साइड में मैं हाथ लगा लेती हूँ, ठीक है, उधर ऐसे स्क्रीन के ऊपर। तो ये पिक्चर में मुझे देखो, मैं ये रही, कुछ तो मैं सोच रही थी, मैं देख नहीं रही थी, मैं कुछ सोच रही थी कि इन दोनों ने पैंट क्यों नहीं डाली है। ये लव कुश है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिन्हें नहीं पता है, अगर तुम दोनों ये देख रहे हो तो रियली सॉरी यार, बट मेरे को पुराने पिक्चर्स दिखा दी थी, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट जो तुम दोनों के साथ नानी के घर पे आ रखी है, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर हम सारे कजन्स की है, ये वाली। इस पिक्चर के अंदर अवीर का फंक्शन हुआ था, उसकी मेहंदी की रहती पिक्चर है। लुक एट मी, निको, लाफकुश एंड अवीर, हम कितने फनी लग रहे हैं यार। तुम लोगों को ना मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, मेरा भाई है सूरज भाई, उसने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे आज तक इतनी फनी फोटोज पोस्ट करी है मेरी, मैं उसको बार बार बोलती हूँ भाई ने हटा दो, लेकिन नहीं, वो बंदा उन पिक्चर्स को नहीं हटाता है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को वो पिक्चर्स मैं दिखाऊँ और तुमको साथ के साथ बताऊँ भी कि वो एक्चुअल में पिक्चर्स क्यों ऐसी हैं एंड किस चीज़ से रिलेटेड। उसके ना माना मैं बहुत ज़्यादा क्रिंजी और फनी एट द सेम टाइम दोनों लग रही हूँ, पर उस टाइम फोन नहीं होता था ना, तुम सोशल मीडिया पर होते थे, तुम्हें पता नहीं होता था एक्चुअल में फोटोज क्लिक कैसे करनी है, एंड मेरा भाई तो मतलब जैसे मर्जी फोटोज क्लिक कर लेता था। सो उसने उसको पोस्ट भी किया है, उसको बार बार बोलती हूँ प्लीज़ रिमूव दिस, मतलब वो नहीं सुनता। उसके बाद मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे भेजे, मुझे रोस्ट करते हैं, दैट इज़ वर्स्ट थिंग आई गेस। एंड ओके, नेक्स्ट पिक्चर है मेरे पास कवेश मामू के साथ। तुम लोग मानोगे ये मेरे रियल मामू हैं, येस। एंड छोटे मामू आपके साथ मेरी सिर्फ दो पिक्चर्स हैं गिनती की, वाई आई वॉन्ट रिप्लाई इस चीज़ का। हम लोग मिलते हैं, हम लोगों ने आज तक हज़ारों पार्टियाँ, मतलब तुम मान लो रियल मामू के साथ 1000 पार्टीज अटेंड करी होंगी, 10,000 ट्रिप पे गए होंगे, लेकिन ओनली 2 फोटोज वी हैव, तो एक तो ये वाली एंड एक बहुत ही रिसेंट थी जो अभी हम लोगों ने लास्ट ईयर ही क्लिक करी थी किसी तो भी फंक्शन में। बट मुझे समझ नहीं आता कि जिन लोगों से तुम्हारी बॉन्ड होती है उनके साथ पिक्चर्स इतनी कम क्यों होती है। मेरा और मेरे मामू का बहुत ज़्यादा साइलेंट बॉन्ड है। मेरे पास बड़े मामू के साथ बहुत सारी पिक्चर्स हैं, लेकिन छोटे मामू आपके साथ नहीं है, सिर्फ 2 पिक्चर्स हैं। प्लीज़ अगली बार पिक्चर क्लिक करवा देना। उनको ना अकेले पिक्चर्स क्लिक करने का बहुत शौक है, लेकिन पता नहीं क्यों किसी के साथ नहीं क्लिक कराते, सिर्फ अकेले मैंने ही हूँ घर में। मेरे साथ तो फिर भी एक दो हैं, औरों के साथ तो शायद वो भी नहीं होगी, बहुत रोली पिक्चर क्लिक कराते हैं वो। ये वाले पिक्चर, ये पिक्चर आज से 4 साल पुरानी है। मैं, मासी और नानी नहर के पैदा होने का हॉस्पिटल में वेट कर रहे थे, ये एक मेमोरी है। एंड इसी दिन मम्मी का ना न्यू फ़ोन आया था, सैमसंग ये वाला जो मम्मी पिछले 4 साल से चला रही है, आई डोंट नो, हाँ सॉरी मैं से यहाँ ढूंढ रहा हूँ शूटिंग वीडियो से या सो। ये वाली मेमोरी इस काइंड ऑफ स्पेशल, क्योंकि तुम वेट कर रहे थे अपनी फैमिली के मेम्बर का पैदा होने का वो भी, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर पर चलते हैं। ये वाली पिक्चर है मेरी लव के साथ, इज दैट क्लियर टू यू गाइज, आई डोंट नो, बट ठीक है। ये मेरी किसी कज़न मासी की इंगेजमेंट की पिक्चर है, जिसके अंदर लव इज़ वेयरिंग सम फंकी क्लोथ्स बिकॉज इसके फेवरेट है ऐसे कपड़े, आज तक ऐसे ही कपड़े डालता है, एंड मैंने मेरी वही फ्लोरल वाली ड्रेस डाली है जो मैंने अभी दिखाई थी। नेक्स्ट पिक्चर है ये वाली, इसके अंदर मैं कितनी ज़्यादा छोटी लग रही हूँ ना, लाइक लिटरली, यानी जो मेरी गोदी में बैठे कैन यू गेस ये कौन है, मैं ये तुम पे छोड़ती हूँ या चलो बता देती हूँ, ये है निको, क्योंकि ये सिर्फ मेरे घर वाले गेस कर पाते। इससे बेटा मैं बता दूँ, ये मेरे बड़े मामू का बेटा है निकेत, एंड लुक एट हिम, एकदम डंपलिंग जैसा लग रहा है। अगर तुम लोग चाहते हो ना मैं मेरी फैमिली की पुरानी वीडियोस भी शेयर करूँ व्लॉग्स में, तो प्लीज़ डू टेल मी इन द कॉमेंट सेशन, फिर ना हम लोग पुरानी वीडियोस की भी वीडियो बनाएंगे। सर एक पास्ट की रीसेंट फोटो है जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, दैट फोटो इज़ दिस वन। अगर तुम लोग को पता होगा, एंड तुम में से कुछ लोगों को पता भी नहीं है एक्चुअली मेरी ऑडियंस को, कि ये पपी है जो मैंने लिया था अपने लिए नवंबर में, एंड आई बॉट हर फॉर माई ब्रदर बिकॉज उसे डॉगी चाहिए था, बट किस्मत ने साथ नहीं दिया शायद, एंड आई लॉस्ट हर इन 5 days बिकॉज ऑफ पार्वो वायरस। बट स्टिल कुछ मेमोरीज बहुत ज़्यादा स्पेशल रह जाती है, आई स्टिल मिस हर सो मच,
एंड आई स्टिल वॉन्ट कि मेरे पास वो वापस होती काश, बिकॉज उससे रिलेटेड बहुत सारी बिलोंगिंग्स मैंने रख पाई. सिर्फ उसका एडॉप्शन सर्टिफिकेट मेरे पास छोड़ा गया बिकॉज उसे जो इन्फेक्शन हुआ था उसके बाद उसकी कोई भी चीज़ को घर में रखना वॉज काइंड ऑफ वेरी डेंजरस फॉर अस. सो या नेक्स्ट पिक्चर इज दिस वन. ये पिक्चर है रेलवे म्यूजियम की. मुझे तो ये भी याद नहीं है किसने क्लिक कर दिया. आई गेस सूरज भैया ही होगा मेरी ऐसी पिक्चर्स क्लिक करने वाला इंसान. सो यार सूरज भैया ने क्लिक करी थी. अच्छा तो मैंने सबसे फनी पार्ट, अभी मैं तुम्हें सिर्फ दो पिक्चर्स और दिखाने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा फनी है. मैं पहले ही बता रही हूँ सूरज भैया की फीड पर मेरी बहुत सारी पिक्चर्स मिलेंगी तुम लोग को. तो सबसे पहली पिक्चर है ये वाली. ये मेरी सिस्टर है ना शिवी दीदी, उनकी शादी की पिक्चर है. एंड मतलब शादी में दिन की पिक्चर, ऑब्वियसली शादी में मैं ट्रैक सूट डाल के नहीं गई थी. नेक्स्ट वी हैव इज दिस. ये इनके बड़े ब्रदर की शादी की पिक्चर है, भाई के बड़े ब्रदर की. एंड ओके दिस इज द वर्स्ट पिक्चर दैट इज एवर क्लिक्ड मेरी. लेकिन मैं क्या कर रही हूँ टू शो यू दिस. लेकिन ओके उस टाइम में ना मुझे स्पेक्स न्यू न्यू लगा था. एंड जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं उनको ऑब्वियसली पता होगा मैं स्पेक्स में कितनी ज़्यादा बुरी दिखती थी, पता होगा ना. तो हाँ वापस देख रहा उस्मानी को. आई वॉन्ट टू शो दिस यार, मैं क्यों दिखा रही हूँ. ठीक है ये वाली पिक्चर मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. डोंट नो वो जमाइला वाली वाइब्स आ रही कि मैं कितनी बुरी लगती थी उस टाइम. और वो ना मैंने अभी वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड सेंड टू दिस हिम एंड ही वॉज लाइक वो जोकर वाला एक्सप्रेशन फिर से इंस्पायर है क्या. आई वॉज लाइक वाई रोस्ट करना है तो इतना बुरा क्यों. अकेले मैं मेरी पिक्चर्स को तो रोस्ट नहीं करवाने वाली हूँ, मैं सबको भी कराऊंगी कड़ी. तो लुक एट हिम सूरज भैया, लुक एट मी केक खाने की कोशिश में. एंड पीछे देखो अवीर और पापा बहुत क्यूट लग रहे हैं. पिक्चर वॉज क्वाइट क्लियर लेकिन पिक्चर के अंदर जो ये पोजेस दे रखे हैं हमने वो बहुत ज़्यादा वही याद है. नेक्स्ट पिक्चर है ये वाली भाई के साथ. ये अभी के परोजन की पिक्चर है एंड दिस इज पर्सनली फेवरेट बिकॉज इसके बाद एक एवोल्यूशन आया जिसके अंदर मेरी और सूरज भाई की पिक्चर्स लेने का तरीका, हमारी पर्सनैलिटी सब कुछ चेंज हो गया. वन लास्ट पिक्चर आई शो यू. ये पिक्चर मेरी एक पुरानी फ्रेंड थी जिससे मैं बात नहीं करती हूँ या जो भी रीज़न था. ये उसके हम फंक्शन पे गए थे कोई तो भी पंजाबी फेस्टिवल, आई डोंट रिमेंबर. बट या लुक एट माई फेस एंड लुक एट सूरज भैया, ये कैसा लग रहा है उस टाइम पे. एंड अभी अगर तुम लोग को मेरी हमारी रिसेंट फोटोज़ दिखाऊँ मैं मेरी और भाई की तो तुम लोग बिलीव करोगे कि वो मैं और सच में सूरज भैया ही हैं बिकॉज वो फोटो बहुत अलग आई है यार. आई स्टिल कांट बिलीव मैं और भाई हैं. लुक एट दिस पिक्चर कितनी यूनिक, कितनी मॉडर्न और कितनी तमीज़ में ली गई है. Okay, so that's for today only. If you like this video, don't forget to give it a big like, subscribe to my channel and also do tell me in the comment section if you guys enjoyed this video. तो मैं आगे भी मेरी फैमिली के साथ जितनी भी पिक्चर्स होंगी मैं वो सब शेयर करके वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मेरे को मज़ा आता है ऐसी हरकतें करने में. एंड ऑल्सो अगर तुम लोग चाहते हो मैं व्हाट्सएप माई फोन बनाऊँ तो मैं वो भी बनाऊँगी. तो मुझे फटाफट से कॉमेंट करके बता दो. तब तक के लिए सिया.